हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। बहुत बड़ी न्यूज है बच्चों आप सभी लोगों के लिए। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो जी हां, आपका जवाब होना चाहिए सुरेखा यादव। कौन है ये सुरेखा यादव, इनके बारे में जानते हैं, जो कल इतिहास रच दिया इन्होंने वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसको चलाकर, और उसी के साथ बनी भारत की ही नहीं एशिया की पहली महिला लोको पायलट। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। काफी लंबा एक्सपीरियंस, 34 साल का इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस है चलाने का इनको। तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो शुरुआत की थी आपकी रेल गाड़ी चलाने की, शुरुआत इन्होंने 1988 में किया, और उसी के साथ 2000 में इन्होंने एक योजना के तहत रेल मंत्री हुआ करती थी। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने क्या किया था उस समय, एक योजना लॉन्च की थी कि लेडीज स्पेशल ट्रेन थी, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब वहां पर भी जो टीम थी, लेडीज स्पेशल जो ट्रेन चलाई गई थी, तो उसमें भी इन्होंने लोको पायलट के रूप में काम किया, रेलगाड़ी को चलाया। ठीक है, उसके बाद 2011 में 8 मार्च 2011 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपकी एक ट्रेन चलाई गई जो क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डेक्कन क्वीन की नाम की रेलगाड़ी थी। ठीक है ना, डेक्कन क्वीन की नाम की रेलगाड़ी थी, उसको भी इन्होंने पुणे से लेके सीएसटी के बीच में चलाया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आपका मुंबई में है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन। और क्या है इनके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन इनके बारे में, तो ये है कि अब ये फाइनली आपके लिए क्वेश्चन भी जो बन चुका है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट के रूप में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन्होंने कहां के, कहां से कहां तक के बीच में, हर जगह खबरें आपके सामने हैं। तो ये है आपके जो कि रेल मंत्री ने ट्वीट किया, बताया फाइनली पावर्ड बाई नारी शक्ति, वंदे भारत पावर्ड बाई नारी शक्ति के नाम से इन्होंने कहा, फर्स्ट वुमेन लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपकी अश्वनी सिंह ने क्या किया, ट्वीट किया था। ठीक है ना, देखिए इनका ट्वीट है, सुरेखा यादव द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, सोलापुर से लेके इन्होंने कहां तक चलाया, सोलापुर 450 किलोमीटर का डिस्टेंस, सोलापुर से लेके सीएसटी तक इन्होंने सफर तय किया। 5 मिनट पहले पहुंच गई, ठीक है ना, समय से पहले, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडियन रेलवे अब तो काफी सुधार भी हो गया, इंडियन रेलवे का एक समय बहुत लेट लतीफी हुआ करती थी। अब एक चीज आप 2-3 चीजें नोटिस जरूर करोगे, ये चीजें काफी सुधार हुआ है, समय पे अक्सर गाड़ियां सारी पहुंच जाती हैं, समय पे चलती हैं, साफ सफाई रेलवे स्टेशन वगैरह का, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन वगैरह भी काफी देखने को मिलता है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। सोलापुर स्टेशन से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच इन्होंने 450 किलोमीटर की जर्नी को पूरा किया, स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ इनका, और ये फाइनली एक ऐतिहासिक मोमेंट था इनके लिए, पूरे देश के लिए और हम सब के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखती है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप तक समय पर पहुंच जाए, आप सबसे पहले अवेयर रहें हर एक इंफॉर्मेशन से। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।